प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने यूएस में कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं। भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप उनका मूल कहा गया है। आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। भारत में इसका आयोजन 65 साल के बाद किया जा रहा है। यहाँ इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त तक होगा। मुझे खुशी है कि 65 साल के बाद ICAE की ये कॉन्फ्रेंस भारत में फिर हो रही है। आप दुनिया के अलग अलग देशों से भारत आए हैं। भारत के 120 मिलियन किसानों की तरफ से आपका स्वागत है। भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं। और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक को प्राथमिकता दी गई है। आज फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते, अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप उनका मूल कहा गया है।